बिस्मिल्ल रहीम असल मैं हुसैबिकाज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव और यूट्यूब नाजिन इस वक्त का सबसे अहम सवाल जिस वक्त पाकिस्तान में गूंज रहा है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारालकूमत में क्यों होटल के कमरे खाली करवाए गए और ये जो तीन हज़ार के करीब जो लगभग लोग कहा जा रहे आए हैं जिन्हें कौन ला रहा है कहाँ से ला रहा है उन्हें किस ले लाया क्या पाकिस्तानी हुकूमत वजी अजम इमरान ख़ान अपने एबसोलूटली नाट वाले मौक़ से यू टर्न ले चुके हैं यह असल मामला है क्या तो इस पर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह दुनिया का एक ताकतवर शख्स मीडिया के सामने रो पड़ा इससे क्या था था? इस साबित होता है इससे साबित ही होता है कि हुमरानी सिर्फ़ अल्लाह की अल्लाह रबुल्ज़त की हुमरानी है बाकी हम सब हुक्मरान फानी हैं जहाँ तक इनके मौक़ में तब्दीली आई इमरान खान के तो इस वक्त जो अली शान जो हमारे पड़ोस में है उनके तर्जमान उन्होंने एक बात की कि हमने जो कामयाबी अभी हासिल की इसमें पाकिस्तान का को कोई अमल दखल नहीं दूसरे मानों में आप खाम खा पाकिस्तान को ना घसीटें लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज के जनरल अभी एच एस पंगा ने एक ट्वीट भी की कि जी पाकिस्तान ने किस तरह दुनिया के एक ताकतवर शख्स को रुला दिया अब देखें सबसे पहले तो उस पूरे मामले को ग़ौर से हम बैठ कर शतरंज की बसात की तरह देखते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे ज़्यादा इन मामला पर जो तश्वीश है और वो है हिंदुस्तान को दो हफ्ते पहले तक हिंदुस्तान एक अहम और ताक़तवर खिलाड़ी इस शतरंज की बसात पर मौजूद था दो हफ्तों के अंदर अंदर दुनिया की सूरत हाल बदली और हमने देखा कि अब नए खिलाड़ी उफक पर नमोदार हो रहे हैं नक्शा ऐसे बदला कि लेने के देने पड़ गए अशरफ साहब जो थे गनी साहब उनके हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे तल्लक थे उनका जाना बहुत से दिल तोड़ भी गया इसीलिए हिंदुस्तान जो है उन्होंने उस उन ममालिक में से सबसे पहले था जिन्होंने अपना स्टाफ सारा बुला लिया वहाँ पर उनके कोई बारह तेरह सौ के करीब ऐसे अहम लोग मौजूद थे जिनमें से आठ सौ को उन्होंने जल्दी जल्दी निकाला और फिर अभी जुमरात को मज़ीद उनके चौबीस लोग अभी निकले और अभी उनके वहाँ पर कुछ थोड़े से लोग शायद रह गए हैं क्योंकि अभी जो फ़ौजी जहाज़ में लेके गए उसमें कुछ नेपाली थे कुछ हिंदुस्तानी थे कुछ ये लोग थे अब हिंदुस्तान के तरक्याती मंसूबे देखें तो वहां पर दो अरब तीन अरब डॉलर के मंसूबे टोटल चल रहे थे जिनमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग को नबे मिलियन डॉलर की लागत से बनाना फिर स्कॉलरशिप देना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तालीम के लिए वजीफे जारी करना तलब इन उनको ताकि वो फ़ायदा उठाएं और मुल्क में एक अच्छी साख वहाँ पर कायम करनी ताकि फिर हमने देखा कि लेकिन दूसरी तरफ तो उन्होंने क्या किया कि सबक रुकन अभी देखें पार्लियामेंट रंगीला कार खातून जो हैं उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी उन्हें एयरपोर्ट पर से ही वापस भेज गया इस्तंबोल से उनका वीज़ा लगा वहाँ हिंदुस्तान पर वो बड़ी दुखी हुई बेचारी तो बड़ा रो कर कहा कि ये गांधी जी का हिंदुस्तान नहीं है मैं तो ये समझ रही थी कि मैं ख़ातून हूँ ये मेरी मदद करेंगे मुझे किसी टॉक शो में बैठाएँगे मैं वहाँ खुल कर बोलूँगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई मुजरिम हूँ और मुझे ये तो नहीं थी कि हवाई अड्डे पर मुझे कह देंगे कि हम आपसे माजरत हुआ हैं हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जैसे अनाउंसमेंट चल रही थी ना उस तरफ दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद के फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में ये सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से आया कि अब आपने अपने कमरे किसी को नहीं देने हम यहां पर मेहमान ठहराने जा रहे हैं इस पर बड़ा शोर मचा जी कि पाकिस्तान पहले ही पिछले तीन दिन में तरतालीस हजार के करीब जो है महाजरीन जो है वो अपनी सरहद से ले चुका है और अब इस तरह तो इनके आने से हमारे मसाइल में इजाफा होगा अब ये तरतालीस हजार कहाँ जाएंगे अभी तो मजीद आ रहे हैं तो उनमें एक बड़े तबके फिक्र की तरफ से ये सवालिया निशान आया कि जी पाकिस्तान अपने मौक़ों से बदल गया लेकिन फिर जब तफसील देखी तो ये तीन हज़ार वो लोग नहीं हैं जो हम समझ रहे थे ये तीन हज़ार लोग कौन हैं इमदादी कार्रवाईों में मदद करने वाले जहाज़ चलाने वाले इनके जो तबी इमदाद डॉक्टर्स वगैरह ये सब लोग हैं पायलट्स हैं इसमें और ये दूसरी अहम बात जो अली शान हुकूमत को इस तक तस्लीम करने की बात है बरतानिया को कोई एतराज़ नहीं और बरतानिया के इसमें बहुत से लोग शामिल हैं अभी हाल ही में बरतानिया की आपको पता है खुफ़िया एजेंसियाँ अमाई सिक्स ने अली शान से गुफ्तु भी की कि हम आपको जो है तस्लीम कर सकते हैं अगर मजीद इंसानी हकूक़ की कोई ख़िलाफ़ मर्जी ना हुई हम यहाँ पर रहेंगे भी स्वाद खाना भी अपना खोलेंगे और जो कुछ हवाई अड्डे पर भी हुआ उसका आपके साथ मिलकर दूसरी पार्टी का ठीक ठाक फेंटा भी देंगे आप हमारे साथ तावन करें तो आप दोनों मिलकर जो अमन के दुश्मन है और वो कौन है आप जानते हैं उनके खिलाफ ये काम करेंगे बरतानवी हुकूमत की ये एक बड़ा अहम संग मील है अगर इनका सफारतखाना यहाँ पर खुलता है तो उसके बड़े दूर दादाज निकलेंगे पड़ोस में खिचड़ी बहुत पक चुकी है बहुत खिचड़ी पक चुकी है अब इस खिचड़ी को पाकिस्तान के मफादात में कोई नुकसान बुजायर नज़र नहीं आ रहा देखें अगर इसको तरीके से ठंडा करके खाया गया इस तम, और आराम आराम से खाया गया तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ खाली हवा में बात नहीं कर रहा देखें यह जो इमरान खान ने एबसोलुटली बात की थी उससे हटकर इमरान खान यस सर पर चले गए तो उसका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिन तीन हज़ार लोगों के अवज़ हमें डॉलर मिल गए बहुत लंबे चौड़े डॉलर मिलेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है इसलिए शायद हमें मजबूरन करना पड़ा है तो ऐसा भी कुछ नहीं है उससे भी बढ़कर पचासी अरब डॉलर का सामान छोड़कर गए हैं जनाब वो भी आपके सामने आपके काम आया क्योंकि अली के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकें वो कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो इम्कान ज़्यादा यही हैं कि चीन इनकी कापियाँ बनाएगा जिस तरह पहले बनाई हैं उन्होंने याद रखें पहले उन्होंने बहुत सारी से बनाई हैं फिर वो पाकिस्तान के काम आए और अगर आप देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के पास ये सब कुछ नहीं है ये सब बड़े अलीशान बड़े अमीर तरीन हो गए हैं इस वक्त ये सब माल उनके पास आ गया तो ये सब कुछ पाकिस्तान को मिलेगा अब अंकल सामने 20 साल के दौरान जी जितना भी आपको पता है असला यहाँ इस्तेमाल हुआ है इसे तो आप अलग करें लेकिन अब कमो वेस्ट जो पचासी अरब डॉलर का ये असलाह और सामान है यहाँ छोड़ कर जाना आपके ख्याल में आप जरा दो मिनट के लिए सारे माशाल्लाह समझदार हैं सोचें कि अगर वो ये सामान वापस लेके जाना चाहते तो कितने इस पर खराजात आते दो चार बिलियन डॉलर और आ जाते सारा सामान लेके निकल जाते लेकिन उन्होंने क्यों ऐसे किया जानबूझकर क्यों यहाँ छोड़ा पहले तो उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी वहाँ पर नया माल बनेगा नए ऑर्डर्स मिलेंगे जब नए ऑर्डर्स मिलेंगे तो जो सियासी जमातें हैं उनको नए चंदे मिलेंगे और बड़े लंबे लंबे चंदे मिलेंगे हैवी चंदे मिलेंगे फिर दुनिया में जो कमी होगी अभी उसकी उस पर ऑर्डर्स और मज़ीद आएंगे सऊदी अरब से इस्लाम आरत से मुखार जमहूरियत भी ऐसे चलती है दुनिया की गेम भी ऐसे चलती है एक तो ये फ़ायदा दूसरी तरफ यहाँ पर छोड़ के जाने के इस खिते में अब कहा जा रहा है कि ये अली इनकी बी टीम भी बन जाएंगी क्योंकि अली को नौ अरब डॉलर चाहिए इस वक्त नौ अरब डॉलर अंकल शाम से चाहिए कि वो रिलीज़ करें इनकी इसीलिए उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और आप देखेंगे भी जो उन्होंने भी रिसेंटली किया उस पर भी कोई ख़ास मजम्मत नहीं हुई क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे काम काम चले तल्ल बेहतर हों क्योंकि आपने रिकगनाइज़ कराना है अगर अपने आप को दुनिया में तो फिर आपको इनकी बात माननी होगी अभी दो अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनाता हूँ एक बच्ची की पैदाइश हुई तीस हज़ार फुट की बुलंदी पर टर्किश एयर लाइन के जो क्रू है उन्होंने उसकी बर्थ हुई अब दूसरी ज़रा सुने जितनी भी तारीफ करें अरब के हुक्मरानों की जितनी तारीफ करें काम में अल्लाह ने उन्हें कितना बड़ा दिल दिया है और उससे ज्यादा ने मालो दौलत भी दिया हुआ दुबई के हुक्मरान आपको शेख मोहम्मद बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत अच्छे इंसान एक बिल्ली की वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर पर लगाई हमला बिल्ली ली ऊँची बिल्डिंग पर मौजूद थी ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात मेरी अगर वो बिल्ली उस बिल्डिंग से नीचे गिरती तो हमला थी अब आप समझ सकते हैं क्या होता लेकिन नीचे अल्लाह ने चार फरिश्ते भेज दिए दो हिंदुस्तान से थे अब्दुल रशीद नासर और अशरफ लंदा और एक पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पे मौजूद एक मुकश का था एक पाकिस्तानी नौजवान आतिफ महमूद ये वहाँ पर सेल्स मैन काम कर रहे थे शेख मोहम्मद ने अपने ट्विटर पर दस मिलियन लोगों से ये वीडियो शेयर की कि देखें कितना बेहतरीन क्या इंसानियत है शेख साहब कितने नेक इंसान इंसान उनका दिल लाख को नहीं बड़ा खूबसूरत मंजर पहली छत से नीचे लोगों ने चादर खोल कर उस बिल्ली को बचाया मेरी भी आंखों में आंसू आ गए आपके भी आगे होंगे इसको अल्लाह ताला ने अजर दे इसका हमारी दुआ है शेख साहब ने दुनिया में आखिर तो अजर गई दुनिया में भी उन्हें पचास हज़ार द्रम यानी बीस लाख रुपये पाकिस्तानी इस अजर के दिए अल्लाह ने रहमी को हुक्म जानूनों पर दिया है शेख साहब ने उन्हें इनाम भी दे दिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अमल दिल खुश हुआ ऐसी चीज़ें देख कर हमेशा आगे शेयर करना चाहिए जरूर लेकिन जहाज और एयरपोर्ट से गुजरता हुआ और लोग शेख साहब को नज़र नहीं आए शेख साहब को एक वीडियो भेजें शेख मोहम्मद को भेजें कि कुछ इंसानों के बच्चे भी हैं और बड़ी तकलीफ बड़ी परेशानी में बहुत परेशानी में आप एक छोटा सा जजीरा बना दें थोड़े से दुबई से पैसे थोड़े से कुवैत से थोड़े से कतर से थोड़े से बहरीन से थोड़े थोड़े पैसे जितने आप बांट देते हैं आप बड़ा है आपका भी आपने देखें बीस लाख ऐसे ही दे दिए ये पैसे लेके कर एक जजीरा बना कर इन महाजरीन को वहाँ रखने इनके बच्चे स्कूल जाएंगे, तालीम मिलेगी एजुकेशन होगी पीस होगा प्रॉस्परिटी होगी दुनिया में ये आपको दुआएं देंगे उधर दुनिया में भी आपको फ़ायदा होगा और आखरत में भी इसका अजर मिलेगा तो कोई अल्लाह का बंदा ये शेख मोहम्मद तक मेरी वीडियो पहुँचा दे बिल्ली की वीडियो देखे मेरा बड़ा दिल उनको बड़ी दुआएँ मैंने दी तो ये करेंगे तो और ज़्यादा दुआएँ मिलेंगी बात आप मेरी सारी समझ चुके होंगे अगली वीडियो तकली मुझे इजाज़त अपना खास ख्याल रखें अल्लाह